हरिओम, मेरा नाम कबीर मकवानी है। मैं कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। आप एक महात्मा बुद्ध की कहानी। एक महात्मा बुद्ध उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ पे बच्चों का झुंड आया। उनकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। उन्होंने वहाँ पर पैसे लेने की कोशिश की, तभी एक पत्थर गलती से महात्मा बुद्ध के सिर पर आकर लग गया। उनके सर से खून बह रहा था। तभी बच्चों को लगा कि हमने बुरा बना करेंगे, इसलिए वह भाग कर महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ने लगे और कहने लगे, महात्मा बुद्ध जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। से सीख मिलती है कि महापुरुषों का जीवन दूसरों के हित के लिए ही होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाकर भी दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। थैंक यू।